गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.8। लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, ए फ्रॉग टुक 3 जंप वन आफ्टर द अदर। द फर्स्ट जंप वाज 3/4 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस, द सेकेंड वाज 3/5 मीटर एंड थर्ड वाज 7/10 मीटर। हाउ मच टोटल डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय द फ्रॉग इन 3 जंप। आपको क्या बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। वो कह रहे कि फर्स्ट जंप ऑफ फ्रॉग, मतलब फर्स्ट जंप ऑफ फ्रॉग कितने मीटर लॉन्ग थी, वो 3/4 मीटर। सेकेंड जंप ऑफ फ्रॉग 3/5 मीटर एंड द थर्ड जंप ऑफ फ्रॉग 7/10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रॉग 3/4 प्लस 3/5 प्लस 7/10। ओके, ये क्वेश्चन आपके क्या है, सम ऑफ द फ्रैक्शन, जो आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, तो फर्स्टली वी फाइंड एलसीएम, एलसीएम इज 20 एंड मेक लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आएगा, 15/20, 12/20 एंड 14/20। वी ऐड दिस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ऐड किया, ऐड क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। 15 + 12 + 14 / 20, तो यह आ जाएगा 41/20, तो आंसर आएगा 21/220 मीटर। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 18 2/9। मिक्स से आप करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज, 164/9 सेंटीमीटर। टू साइड इसमें गिवन है, दो साइड गिवन है, तो उसका क्या करोगे, आप प्लस कर दोगे, क्योंकि तीन साइड होती है ट्रायंगल में। अगर आप दो का माइनस कर दोगे प्लस करके, तो वो आपकी थर्ड साइड आ जाएगी। इसमें आपको बताना क्या है, मेजरमेंट ऑफ थर्ड साइड। तो सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड टेक एलसीएम एंड टू मेक लाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे तो 52/6 एंड 25/6। वी ऐड दिस फ्रैक्शन, आंसर इज 77/6 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ जी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द मेजरमेंट ऑफ थर्ड साइड 164/9 - 77/6। वी टेक एलसीएम, एलसीएम इज 18 एंड मेक लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, 164/9 को 2 से मल्टीप्लाई, 328/18 एंड 77/6 इनटू 3, 231/18। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे किस में से, 328/18 माइनस 231/18, आंसर इज 97/18 इज इक्वल टू 5/7/18 सेंटीमीटर। ओके, एंड द फिफ्थ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट क्वेश्चन है जॉन गॉट ₹81/4 फ्रॉम दिस हिज फादर, सी बोट ए बुक फॉर 21/2 एंड द सम कॉपीज फॉर 31/8 रुपीज, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। हाँ जी स्टूडेंट, हमारा एट क्वेश्चन क्या है कि टोटल मनी उसके पास कितनी है, 321/4। ठीक है, वो अपनी स्पेंड कर देता है मनी किस पे, अपनी बुक्स खरीदने में और कॉपीज खरीदने में। तो टोटल स्पेंड मनी हम निकालेंगे यहाँ से, 41/2 प्लस 241/8। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मेक अ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 164/8 प्लस 241/8, तो आंसर आ जाएगा 405/8। ठीक है, अब हमें लेफ्ट मनी निकालनी है। लेफ्ट मनी में क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल मनी है और स्पेंड मनी है, माइनस कर देंगे टोटल मनी में से स्पेंड मनी को। तो यहाँ से 321/4 इंटू 2, 642/8 एंड 405/8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब इसको क्या करोगे, लाइक फ्रैक्शन आ गया तो माइनस करोगे, माइनस करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 29/5/8 रुपीज़। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद जो नाइन क्वेश्चन है वो खुद से आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, टोटल दे रखा है, फिर उसमें से दो को प्लस करके माइनस करना है। ठीक है, हो जाएगा आपका ये भी। और टेंथ क्वेश्चन में क्या है, आपको ये दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसके टोटल में से आपको इसको माइनस करना है। तो इसको निकालो पहले, मिक्स फ्रैक्शन से क्या करोगे,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, देखो लाइक टर्म है इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो सीधा क्या कर दो, डायरेक्ट प्लस कर दिया आपने, ठीक है, हो गया। इसके बाद इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम आपको पता है ये क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 एलसीएम आने के बाद 76/9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 23/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको प्लस कर दोगे, ठीक है, 145/9। तो अब उसके बाद क्या करना है, इसमें से आपको इसको माइनस करना है, इसके आंसर में से इसको माइनस करना है, लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर को माइनस करोगे तो 52/9, तो 57/9 इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है आपको, 6.8 को कंप्लीट फेयर नोटबुक में करना है। बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।